अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक नई लोकेशन पर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं तो पहुंच चुका हूं, लेकिन शरियार भाई हमारे लेट हो गए। तो शरियार भाई जल्दी आओ यार। जी माजिद भाई, मैं आ रहा हूं। भाई यार, लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक नई लोकेशन और एक नई जगह पर। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियोस में अपनी बताया था कि अब हम आपके लिए एक नई नई सोसाइटी जो कि मलीर मेमन कोर्ट में वाकई है कवर करेंगे मज़ीद, ठीक है। और यहाँ मौजूद होने के जो वजह है वो ये है कि हम मौजूद हैं आज फलक नाज ड्रीम है, और फलक नाज ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे वीडियो के एंड में। इससे पहले हम जो फलक नाज ड्रीम का ये तैयार प्रोजेक्ट है फलक नाज ग्रुप का, इसका हम थोड़ा सा आपको लोकेशन वगैरह बताते चलें। यहाँ के जो प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्होंने रोड के साइजेस, प्लॉट्स की कटिंग वगैरह की है, उसका आपको थोड़ा सा यहाँ का हम ओवरव्यू देता चलें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि जो इनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है फलक नाज वंडर सिटी के नाम से, तो वो क्या उसमें कितना डिलीवर करेगा ये बिल्डर। तो क्योंकि ये फलकनाज ड्रीम एक तकरीबन तैयार प्रोजेक्ट है फलकनाज ग्रुप का, और इसमें आबादी हो चुकी है तकरीबन 50 से 60% यहाँ मकानात बन चुके हैं, और काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मकानात यहाँ बन रहे हैं। अच्छा, मलीर मेमन गोड में ये सोसाइटी वाक़ है, इसके अतराफ़ हलीजे गार्डन, मलीर टाउन रेजिडेंसी, GFS बिल्डर का बहुत ही मशहूर और मारूफ प्रोजेक्ट है ये वाक़ है। और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शरियार खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम शरियार भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से भाई। तो शरियार भाई, हम फलकनाज ड्रीम्स में मौजूद हैं, जैसा कि हमारे नाज़रीन को मालूम है। तो आप ये बताइए कि फलकनाज ड्रीम में, मैंने कुछ अपने नाज़रीन को ओवरव्यू दिया है कि आने के लिए आप काला बोर्ड से भी आ सकते हैं, मलीर 15 का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, और मलीर सौदाबाद चुरंगी से सिर्फ 5 से 6 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। तो आप ये बताइए कि अगर हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो फलकनाज ड्रीम में कितनी देर में पहुँच जाएंगे? फलकनाज ड्रीम एयरपोर्ट से कोई 10 से 15 मिनट की दूरी के ऊपर है। ये आप मलीर कैंट वाला रास्ता अख्तियार करेंगे, उससे आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये फलकनाज ड्रीम में अगर हम आ रहे हैं तो आने वाला रूट तकरीबन कितना चौड़ा है? आने वाला रूट जो है कम से कम भी मेरे हिसाब से 200 फीट से 250 फीट तक चौड़ा है। तो मतलब आने के लिए कोई ट्रैफिक वगैरह के लिए हमारी गाड़ी वगैरह को कोई नुकसान तो नहीं होगा? जो लोग यहाँ विज़िट के लिए आना चाहते हैं, अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि यार रूट कैसे बने हुए हैं, हम लोग आना चाहें, कोई जंगल वंगल तो नहीं है अतराफ में? तो आप बताइए आसपास की सोसाइटीज़ कितनी आबाद हो चुकी हैं यहाँ पर? जो इसके आसपास की सोसाइटीज़ हैं वो बहुत मतलब 30-40% आबाद हो चुकी हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ भी रह रही हैं, और हर चीज़ मौजूद है वहाँ पे वक्त के हिसाब से। और जो रूट्स और लोग कहते हैं कि जंगल्स वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही खुशगवार माहौल है। आप आएँ, विज़िट कीजिए, आप खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा शरियार भाई, ये बताइए कि यहाँ पर फलकनाज ड्रीम में जो मेन रोड है इनका, या कमर्शियल जहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स वाके हैं वहाँ के रोड कितने चौड़े हैं, दूसरा जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स वाके हैं वहाँ के रोड कितने चौड़े हैं, और बिल्डर ने क्या क्या सहूलियात दी हुई हैं फलकनाज ड्रीम के अंदर? सहूलियात तो देखें माजिद भाई, सारी आ चुकी हैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक भी देख लें आप है, गैस भी है और पानी भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और रोड्स की बात करें तो रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। सबसे चौड़ा जो रोड है यहाँ पे 80 फीट का है, 80 फीट के बाद फिर 60 फीट है, 40 फीट है, 30 फीट है, आखिरी रोड जो है वो 30 फीट का है। और कमर्शियल के पास जो है, आप देख रहे हैं कि मेरे बैक के ऊपर ये कमर्शियल्स बने हुए हैं, ये सारे जो फलकनाज को इंटर करते हैं मेन रोड जो 80 फीट का है उसके ऊपर ये मुश्तमिल है 200 बस कमर्शियल। पार्क भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं और अच्छे मतलब पार्क बने हुए हैं, खूबसूरत सी यहाँ मस्जिद एक बनी हुई है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोग यहाँ पे अक्सर और बेशतर सैर व तफरी के लिए भी आते हैं वीकेंड के ऊपर। ठीक, हमने देखा यहाँ पर कि अक्सर लोग यहाँ पर भाई टिकटॉक बनाने भी आ रहे होते हैं छुट्टियों पर, वीकेंड के ऊपर अपने। और अच्छा शरियार भाई, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है फलकनाज ड्रीम के आसपास, बल्कि बिल्कुल सामने भी एक बड़ी बेहतरीन सोसाइटी वाकई है, और ऐसा नहीं है कि हम और जगहों पर जाते हैं तो आसपास तो जंगल होता है लेकिन सोसाइटी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है। तो ये आसपास जो सोसाइटीज़ हैं इनका आप थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। इसके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि अलीज़े गार्डन, ये आपको बिल्कुल फलकनाज के अपोज़िट दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे घर भी बन चुके हैं और बिल्डर भी यहाँ पे अब घर
कस्टमर्स को जो है वो अलॉटिंग जो है उनको बनाकर भी दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मली टाउन है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह के तरक्याती काम जारी है। वहाँ पे आपको दिख रही होगी बिल्डिंग, एक इस तरह से कि फ्लैट्स यहाँ बन रहे हैं, ये काम जारी है। अंदर भी बहुत सारे अलॉटिंग हैं जो हैं उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा भाई शहरयार खान साहब, आपने यहाँ का सोसाइटी का पूरा ओवरव्यू दिया हमें, रोड्स कितने साइज़ के हैं, इसके अलावा सोसाइटी के बाहर का रोड भी आपने बता दिया, आसपास की सोसाइटीज़ के बारे में भी बता दिया। लेकिन हमारे नाज़रीन को ये तो बताइए कि यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो लेना चाह रहे हैं तो वो कितने साइज़ के हैं? तो पहले 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 भाई पहले हमें आप बताइए कमर्शियल प्लॉट्स के साइज़ के बारे में। कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे जो हैं वो 120 गज भी है, 200 भी है और 400 गज की SBA भी है। तो कमर्शियल प्लॉट जो आपको दिख रहा है कि 200 गज यहाँ बनना स्टार्ट हो गए हैं और बन भी रहे हैं, तो वो भी आप आगे यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। अच्छा कमर्शियल प्लॉट्स लोग समझ रहे हैं कि यार कमर्शियल प्लॉट लिया दुकान बना ली, कमर्शियल प्लॉट्स का क्या तरीक़ेकार है यहाँ पर के? मतलब नीचे हम देख रहे हैं और सोसाइटीज़ में के भी नीचे दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं, फिर वो फ्लैट्स चाहे तो किराए पे दें चाहे तो बेचें पोर्शन बनाकर, तो क्या ये इस तरह है यहाँ पर भी फलकनाथ ड्रीम के अंदर? बिल्कुल माजिद भाई, इसी तरह है कि लोग यहाँ पे कमर्शियल बनाते हैं, ऊपर फ्लैट्स बनाते हैं, नीचे शॉप्स किराए पे या सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह फ्लैट्स का भी है कि सेल आउट कर देते हैं प्री बुकिंग के अंदर, कुछ लॉन्च के बाद सेल आउट करते हैं। तो इस तरह से ये तो कमर्शियल हो गए। अब रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो रेजिडेंशियल जो है यहाँ पे 80, 120, 200 और 400 गज है। तो यहाँ भी आप मतलब आसान तरीके से बुकिंग करा सकते हैं, और ये तो टोटल कैश के ऊपर ही है अब, क्योंकि बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अब इसके साथ ही लिंक रोड जो एक्सप्रेस वे मलिर एक्सप्रेस वे, उसके साथ ही इसका लिंक रोड है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये ग्रो अप कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कोई यहाँ पर प्लॉट परचेस करता है तो बनाना कब से शुरू कर सकता है? मतलब बहुत से कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल के ऊपर भी, और बहुत से लोग हमसे फ़ोन मोबाइल पर के ज़रिए भी पूछ रहे होते हैं कि यार हम प्लॉट अगर परचेस कर लेते हैं तो हम बनाना कब से शुरू कर सकते हैं? तो ये आपका बनाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आपने प्लॉट परचेस करना है, उसके बाद आपने मैप पास कराना है। सिंपल सा एक तरीका है, मैप पास कराते ही आपने यहाँ फ़ौरन से आपको परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिल जाएगी मतलब आप घर बनाना स्टार्ट कर, अपना रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपने अभी मलीर एक्सप्रेस वे का जिक्र किया, तो मलीर एक्सप्रेस वे से हमारे प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल सर, उसका नाम सिर्फ जुड़ने से ही यहाँ पे इतना इफेक्ट हो गया है। जो 2019 के अंदर 25 लाख रुपए का 120 से प्लॉट मिलता था, आज 40-50 के दरमियान वो प्लॉट मिलता है। अच्छा जी, तो भाई जैसा कि आपने नाज़रीन सुना फलकनाथ ड्रीम के बारे में, तो अब हम आपको बता रहे हैं फलकनाथ ग्रुप के एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसलिए हमने पूरी वीडियो बनाई है आपको यहाँ का फलकनाथ ड्रीम का दिखाया कि भाई फलकनाथ ड्रीम के अंदर बिल्डर ने क्या क्या काम कर दिए और लोगों को डिलीवर कर दिया है। आप पार्क में देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं इस वक्त। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आबादी है। और अब हमें शहरयार खान साहब बताएंगे कि भाई फलकनाथ वंडर सिटी कहाँ वाके है, क्या रूट लग रहा है, क्या प्लॉट्स की कटिंग वगैरह है। तो शहरयार खान साहब जी, सर फलकनाथ वंडर के बारे में बताते चलूँ। फलकनाथ वंडर जो है वो सजानी टाउन सेक्टर 11 के अंदर, वहाँ से जो उसका लोकेशन है वो आप आने का तरीका 4 की चुरंगी से बिल्कुल सीधा आपने आना है। अलगफूर से पहले सेक्टर 11 है, आप सजानी ड्रीम सिटी के साथ ही बिल्कुल इनका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है फलकनाथ वंडर, जो इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 महीनों में लॉन्च कर देंगे जिसको। फलकनाथ वंडर के अतराफ़ भी कोई सोसाइटीज़ वगैरह वाक़ हैं? जी बिल्कुल, फलकनाथ के अतराफ़ सोसाइटियां हैं, जैसे कि आप सरदानी ड्रीम सिटी है, इकरम यूनिवर्सिटी है और नुमान है, अलगफूर है, बड़े बड़े एक नाम है, साइम अरबियन है। और हमने जब विज़िट किया तो हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो GFS का प्रोजेक्ट है, ये भी तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। साइम अरबियन विलाज नॉर्थ टाउन से 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो ये तमाम सोसाइटीज़ के बीच में फलकनाथ वंडर सिटी लॉन्च होने जा रहा है। और सबसे अहम बात जो हमारे शहरयार भाई आपको बताना भूल गए हैं, वो ग्रीन लाइन बस स्टॉप जो फलकनाथ वंडर सिटी के रूट पर ही आ रहा है, तो आप 5 मिनट से 10 मिनट की दूरी पर आपको ग्रीन लाइन बस स्टॉप मिल जाएगा। मतलब आप लोगों को सफ़र सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इंशाल्लाह अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो शहरयार खान साहब इसके बारे में भी आपको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। तो भाई बुकिंग वगैरह कराने का क्या तरीके का है शहरयार भाई?
मस्जिद भाई, बुकिंग कराने का तरीकाकार ये है कि इसमें मेरा मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं आप। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नंबर दे दिए जाएंगे, आप उनसे रब्ता करके आप अपने प्लॉट के बारे में मालूम कर सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। भाई रब्ता तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग जब करेंगे ना, जब हमें कुछ मालूम तो हो कि भाई कितनी डाउन पेमेंट करनी है, कितने का प्लॉट पड़ रहा है। चलें आप रेट्स ना बताइए कि कितने का पड़ रहा है, लेकिन तकरीबन ये तो बता दीजिए कि डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो प्लॉट्स की फाइल हमें हमारे हाथ में आ जाएगी। माजिद भाई ये तो सरप्राइज़ रखा था, लेकिन आप कह रहे हैं तो बता देते हैं कि जो मिनिमम डाउन पेमेंट होगी वो कम से कम 5 लाख रुपये तक होगी, और ये प्रोजेक्ट जो है प्लॉट्स की जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो कम से कम 4 साल का है। 4 साल में मतलब हमने अदायगी करनी है, तो यार 5 लाख रुपए में फाइल भी हमें मिल जाएगी। बिल्कुल आपको फाइल मिल जाएगी इसकी 5 लाख रुपए के अंदर मौजूद है यार। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जिस सोसाइटी में हम, इसी सोसाइटी का एक दूसरा प्रोजेक्ट है फलकनाज वंडर सिटी। तो अगर आप लोग बुक कराना चाहते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रابطہ कर सकते हैं। तो अपने प्लॉट की आज ही बुकिंग कराने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं, और हमारे दोस्त मौजूद हैं आपको इस प्रोजेक्ट की मालूमात देने के लिए और आपकी बुकिंग करने के लिए। तो शरियार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बस माजिद भाई मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है फलकनाज ग्रुप का, और आपको पता है कि फलकनाज ग्रुप ने कितने सारे ही प्रोजेक्ट जो हैं वो अलॉटीज़ को डिलीवर कर चुके हैं। तो आप भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और प्लॉट की बुकिंग कराना नहीं भूलिएगा। साथ साथ हमारे चैनल ट्यूब डिस्कवरीज़ जो माजिद भाई रन कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।